हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज को एक और वीडियो के साथ, और जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पीसी में अपना लैपटॉप, मतलब लैपटॉप में अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, और गेमिंग वगैरह जैसे कुछ भी करना हो तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, मेरा ये आईडी खुला हुआ है, और अगर मैं अब इसे बंद कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ये खुद को कन्वर्ट करते रहेगा। और ये आपको दिख रहा होगा, मैं इसे पीसी में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं कौन सा स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको उसको ट्यूटोरियल होगा तो मैं उसका बना भी दूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं, और सारी चीज़ें मैं आपको क्लियरली समझा दूँगा। तो सबसे पहले जो है अपना ये पहले लैपटॉप मोबाइल का स्क्रीन बड़ा कर लेंगे, और ये जो है सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद देख सकते हो, मैंने यहाँ पर दो चीज़ें इनेबल करके रखी हुई, ये USB डबिंग इनेबल्ड है मेरा। यहाँ पे ये कैसे इनेबल होगा, आपका डेवलपर ऑप्शन होगा ना, तो डेवलपर ऑप्शन आपको इनेबल करना होगा। अगर आपका इनेबल नहीं है तो उस पर आके 5 बार क्लिक करो, इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको ये ऑप्शन, मेरे में इनेबल पहले से ही था तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसके बाद USB डबिंग यहाँ आ रहा होगा ना, तो इसको इनेबल कर देना है। मैंने ऑफ पहले था मेरा, अभी मैंने इनेबल किया, क्योंकि इसके बिना आपका ये जो हो रहा है स्क्रीन कास्ट हो रहा है आपके मॉनिटर में, ये नहीं हो पाएगा। लैपटॉप में कंप्यूटर जो भी आपका है उसमें नहीं हो पाएगा इसके विदाउट आपको। और एक चीज़, आपको एक फ़ाइल लगेगा जो कि मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, कहाँ से कैसे मतलब क्या होगा, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करना क्या है आपको कि अब वैसे मैं फ़ोन का स्क्रीन अभी बंद कर देता हूँ, फिलहाल मैं आपको लैपटॉप का दिखाता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले वो जो मैं आपको मिलेगा ना, उसको डाउनलोड करना है, कुछ ऐसा होगा। तो इसको आपको फिर कर लेना है सेलेक्ट करके, इसको सेलेक्ट राइट क्लिक करना है, और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, मतलब एक्सट्रैक्ट फाइल इसको कर लेना है। उसके करने के बाद कुछ ऐसा आपका बन जाएगा। इसको अपने लोकल डिस्क सी में रखना है, वहाँ अगर नहीं रखोगे तो नहीं हो पाएगा। देखो, मैंने लोकल डिस्क सी में रखना है, और यहाँ मिरर करके आप रखना है यहाँ पर। फिर उसके सबसे नीचे ऑप्शन जो होगा ये मिरर का होगा ऑप्शन, इसको डबल क्लिक जैसे करेंगे कुछ ऐसा ओपन होने लगा। इस प्रोग्रामिंग को होने देना है, अगर आपका वो हो रहा है तो ज़रूर आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं है, आपने USB डबिंग ओपन नहीं करके रखा है। ये दोनों ही ऑप्शन आपको ऊपर में शो होंगे, जैसे मैंने आपको शो यहाँ पे करवाए हैं, जैसा कि आप देखा देता हूँ मैं आपको कैसा। ये दोनों ऑप्शन आपके शो होंगे, अगर आपको होने ही चाहिए क्योंकि इसके विदाउट तो होगा ही नहीं। और ये वाला जो आपका प्रोग्राम, इसको चलते देना है, कट नहीं करना। अगर कट कर दोगे तो भाई दिक्कत है ना। और ये जो यहाँ मिरर का ऑप्शन आ रहा है ना, ये वाला मतलब मिरर सिर्फ लिखा हुआ बैच फाइल, इसको आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, और ये आपका होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको फ़ोन कनेक्ट करना है, फिर बस मज़े ही मज़े, और फिर क्या आपका सारा चीज़ होते रहेगा। और जो जो आप यहाँ फ़ोन में करोगे, जैसे गेम ओपन किया तो गेम भी मतलब वैसा करेगा, कुछ भी जैसे करोगे आप तो आपका हूबहू वैसा ही काम करने वाला है। और जैसा कि देख सकते हो, ये वर्टिकली हो गया है, पहले हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसा भी आप रखना चाहो ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा, और हूबहू कोई भी लैग नहीं होगा आपका। देख सकते हो, जैसे मैं धीरे धीरे भी इसको स्क्रॉल डाउन करो तो आपको लैग नहीं दिखने को मिलेगा, बिल्कुल भी लैग नहीं होगा, क्योंकि ये जैसा कि आप देख ही रहे हो लैग का थोड़ा सा भी आपको नहीं दिखेगा। तो आज के वाले वीडियो में इतना ही, और हाँ, इसका जो वो मिरर का जो फाइल होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वाले वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं गेमिंग रिलेटेड वीडियोज़ भी बनाता हूँ, मॉन्टाज वगैरह, और फनी वीडियोज़ भी बनाता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को जो भी अपने लो एंड PC के में जब कनेक्ट करना चाहते। और हाँ, जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और अगर आप चाहते हो कैसे इसका सारा चीज़ करते हैं, मैं ट्यूटोरियल वीडियो बना लूँगा। तो आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।